हेलो एंड वेलकम यू ऑल इन स्टडी दरबार, द गेटवे टू फुलफिल योर ड्रीम्स हाय, दिस इज अभिषेक तिवारी एंड आई एम हेयर विद अ न्यू वीडियो फ्रॉम ज्योग्राफी, दैट इज क्लाइमेटोलॉजी का एक टॉपिक है एल नीनो एंड लानीना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आपको क्लाइमेटोलॉजी को बहुत अच्छे से पढ़ना है हमको पता नहीं होता है मौसम में क्या परिवर्तन का बारिश बहुत ज़्यादा होती है स्पेशली वेन वी टॉक अबाउट इंडिया कई बार बोलते हैं एलिनो के इफेक्ट के कारण बारिश कम हो रही है इज द रीज़न एलिनो कब आता है कब नहीं आता प्रिडिक्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं फिर वहीं पे दूसरा शब्द आता है लानीना ये दो शब्द का मतलब क्या होता है आर द इफेक्ट्स ऑफ टू थिंग्स तो आज हम इस टॉपिक को समझेंगे बिफोर स्टार्टिंग विद दिस टॉपिक आई वुड लाइक टू आस्क यू इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइड माई चैनल येट अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब इट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स गेटिंग हम स्टार्ट करते हैं एल्नो एंड लानीना वर्ल्ड मैप है जरूरत पड़ेगी सबसे पहले एलनी एंड लानीना इनका मतलब क्या होता है पीरियडिक चेंज को रेफर करते हैं पैसिफिक ओशन सी सर्फिस टेम्परेचर में दैट हैव इम्पैक्ट ऑन वेदर पूरे के पूरे ग्लोब ग्लोब मीन्स एंटायर वर्ल्ड की बात करते हैं इन द पैसिफिक ओशन नियर द इक्वेटर इक्वेटर के बाद पास, पास जो विश्वगत रेखा के आसपास जो पैसिफिक रीजन है पैसिफिक ओशन मीन्स प्रशांत महासागर

पार्ट ऑफ पैसिफिक कोस्टर्न साउथ अमेरिका रिलेटिवली ड्राई करेंगे दिस नॉर्मल पैटर्न ऑफ पैसिफिक सी सफेस टेम्परेचर इज डिस्टरप्टेड पीरियोडिकली बाई एल्नो एंड लालीना नेचुरली अकरिंग क्लाइमेट फिनमिना दैट अकर्स रफली एवरी थ्री टू सेवन ईयर्स एल्नो का मतलब होता है द वॉर्म फेस एंड लालिना का मतलब होता है द कोल्ड फेस सब समझ में आ रहा है बेसिकली अनिनों की अगर घटना की बात करते हैं तो सबसे पहले इसे किसने समझा था पेरू के मछुआरों ने पेरू के तट के तट से दूर सतही जल की असामान्य रूप से गर्म होने के रूप को जाना था सबसे पहले स्पेनिश के जो लोग थे स्पेनिश पीपल उन्होंने अनिनो नाम दिया था इस पर्टिकुलर जो भी ये सिचुएशन पीरियडिकली जनरेट हो रही थी इसे उन्होंने कहा यह अनो है मींस नाम किसने दिया स्पेनिश के लोगों ने जिसका मतलब होता है स्पेनिश में इसका मतलब होता है छोटा लड़का जल्द ही अनिनों का उपयोग तटीय सतह के जल के गर्म होने के बजाय अनियमित एवं तीव्र जलवायु परिवर्तनों का वर्णन करने के लिए किया जाने लगा अन जो घटना थी एक नियमित चक्र नहीं है मीन्स पीरियडिकली आपको नहीं पता है कब हो रहा है कब नहीं हो रहा है इसकी भविष्यवाणी नहीं किया जाती यू कैन नॉट प्रिडिक्ट लेकिन हम बोलते हैं दो से सात वर्षों के अंतराल में अनियमित रूप से कभी भी हो जाता है अगर हम बात करते हैं भाई कैसे क्या कौन पता करेगा तो मौसम वैज्ञानिक का मानना है कि अलनिनो की घटना दक्षिणी दोलन दर सदन ऑसिलेशन के साथ होती है सदन ऑसिलेशन उष्ट कटिबंधीय प्रशांत महासागर के वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन को कहते हैं बेसिकली जब पूर्वी ऊष्ठ कटिबंधीय प्रशांत महासागरीय क्षेत्र दट इजीनो में तटीय जल गर्म हो जाता है तो समुद्र के ऊपर वायुमंडलीय दाब एटमोस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है मौसम वैज्ञानिकों ने इन घटनाओं को अल नीनो दक्षिणी दोलन दैट इज एनशो एल नीनो सदन ऑसिलेशन के रूप में परिभाषित करते हैं बेसिकली इसके बारे में पता कौन लगाता है कैसे हमें इसके बारे में पता चलता है हु यूज टू गेट ओवर इट निगरानी कौन रखता है तो वैज्ञानिक सरकारें एवं गैर सरकार सरकारी संगठन जिसको हम बोलते हैं एन जी ओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कई वैज्ञानिक तकनीकों एवं उक्तियों जैसे प्लब जिसे इंग्लिश में बायो कहते हैं बी यू ओ वाई का उपयोग करके अल अनों के बारे में आंकड़े एकत्र करते हैं Good. जैसे प्लब क्या है बेसिकली एक प्रकार का उपकरण है जो जल में तैरता है एवं जिसका उपयोग समुद्र में लोकेटर के रूप में किया जाता है अथवा जहाज़ों के लिए चेतावनी बिंदु के रूप में किया जाता है यह आमतौर पर चमकीला होता है बेसिकली फ्लोरोसेंट रंग के होते हैं यह प्लब समुद्र एवं वायु का तापमान धाराओं हवाओं और आर्द्रता को मापते हैं ये प्लब विश्व भर के शोधकर्ताओं एवं पूर्वानुमानकर्ता को प्रतिदिन डेटा संचारित करते हैं एवं वैज्ञानिक को अनिलो की सटीक भविष्यवाणी करने तथा संपूर्ण विश्व में इनके परिणाम एवं प्रभाव का अनुमान लगाने में सक्षम बनाते हैं बेसिकली ठीक है इसका प्रभाव क्या होता है मीन अनिलो के बारे में बोले तो वॉट आर द इफेक्ट्स ऑफ इट कुछ गुड इफेक्ट्स होंगे कुछ बैड इफेक्ट्स होंगे ऑब्वियस सी बात है तो अनिलो की अवधारणा को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि प्रशांत महासागर में अनिलो रह अवस्था से परिचित होना चाहिए क्या होता है सामान्यतः शक्तिशाली व्यापारिक दैट इज शक्तिशाली व्यापारिक पवने ट्रेड विंड्स पश्चिम की ओर उष्णकटिबंधीय प्रशांत कर्क रेखा एवं मकर रेखा के मध्य स्थित प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में चलती हैं महासागर पर इसका क्या प्रभाव होता है तो अनलीनो समुद्र के तापमान समुद्र की धाराओं की गति एवं शक्ति तटीय मत्स्य पालन और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण से दक्षिण अमेरिका तथा उनकी उनसे आगे तक की स्थानीय मौसम को भी प्रभावित करता है यह वर्षा में वृद्धि करता है गर्म जल की सतह पर बहाव के कारण वर्षा में वृद्धि होती है इसकी वजह से दक्षिण अमेरिका में भारी वर्षा भारी वृद्धि होती है वर्षा में भारी वृद्धि होती है जिसकी जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ एवं अपर्दन की घटनाओं में वृद्धि होती है बाढ़ और सूखे के कारण होने वाले कई रोग जनरेट होते हैं भाई बाढ़ आएगी कई जगह कई जगह सूखा होगा बाढ़ अथवा सूखे जैसे प्राकृतिक खतरों के प्रभावित समय में बीमारियाँ पनपती हैं जैसे अनिलों की वजह से बाढ़ के कारण विश्व के कुछ हिस्सों में हैजा डेंगू एवं मलेरिया के मामलों में वृद्धि होती है वहीं सूखे के कारण जंगलों में आग की घटनाओं में वृद्धि हो सकती है जो कि श्वसन संबंधी समस्याओं से संबंधित है सकारात्मक अगर प्रभाव देखें पॉजिटिव इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं तो कभी कभी इसके आ, सकारात्मक प्रभाव भी होते हैं जैसे अनिलीलों के कारण अटलांटिक महासागर में तूफान की घटनाओं में कमी आती है इंपॉर्टेंट है दक्षिण अमेरिका अनिलों के कारण दक्षिण अमेरिका में बारिश अधिक होती है वहीं इंडोनेशिया एवं ऑस्ट्रेलिया में इसके कारण सूखे की घटनाएं होती हैं इसलिए हमने देखा दोनों टाइप की बीमारियाँ होती हैं सूखे की सूखे की इन घटनाओं के कारण जल में क्षेत्र में जल आपूर्ति का संकट उत्पन्न होता है क्योंकि जलाशय सूख जाते हैं एवं नदियों में भी जल की कमी होती है कृषि जो कि सिंचाई जल पर निर्भर होती है पर भी संकट उत्पन्न होते हैं सी बात है पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र की अगर बात करें तो इन पवनों के कारण पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र की ओर जहां यह एशिया एवं ऑस्ट्रेलिया की सीमाएं बनाता है गर्म सतही जल का प्रभाव होता है उस व्यापारिक पवनों के कारण इंडोनेशिया में समुद्र की सतह इक्वाडोर की तुलना में लगभग जीरो मीटर अधिक एवं फोर टू फाइव डिग्री फेरनहाइट गर्म हो जाता है टेम्परेचर बढ़ता है गर्म जल के पश्चिमी प्रभाव के कारण इक्वाडोर पेरू एवं चिली के तटों पर सतह की ओर ठंडे जल का स्तर बढ़ जाता है इस प्रक्रिया को अपवेलिंग दैट इज अपवेलिंग के रूप में जाना जाता है अपवेलिंग के कारण समुद्र के ऊपरी सतह यूफोटिक जोन में ठंडे पोषक तत्वों से युक्त जल आ जाता है गेटिंग तो दीज आर ऑल अबाउट अल अलिनो जब हम अलिनो की बात करते हैं अब इसका जस्ट उल्टा जब हम बोलते हैं तो अलनिनो सॉरी uh, uh, की बात करते हैं तो इससे पहले हम देख ले अब भी हमने जो मैंने आपको सारी चीज गिवन इन दिसन लालीनाज कैरेक्टराइज ऑपोजिट प्रोसेस इसका जस्ट ऑपोजिट होता है वहां गर्म तो यहां पर ठंडी हवाएं ट्रेड ब्रेंड स्ट्रेथन एंड वॉटर ऑन रेन स्ट्रॉम आर पोस्ट टू द फार वेस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक ओवर इंडोनेशिया दिस रिजल्ट्स इन कूलर सरफेस वाटर इन द इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन ड्राई कंडीशन इन पैसिफिक कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड मच वेटर कंडीशन इन नदन ऑस्ट्रेलिया एंड सदर्न एशिया गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग लानीना घटना जो होती है बेसिकली उष्ण कटिबंधीय प्रशांत कर्क रेखा एवं मकर रेखा के मध्य प्रशांत महासागर क्षेत्र में सामान्य से ठंडे जल के कारण होती है वहाँ गर्म जल के कारण या ठंडे जल के कारण लालीला की विशेषता पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में सामान्य से कम वायुदाब का होता है या होना चाहिए ये निम्न दाब के क्षेत्र वर्षा वृद्धि में योगदान देते हैं लालीना की घटनाएं दक्षिण पूर्वी अफ्रीका एवं उत्तरी ब्राजील में सामान्य से अधिक वर्षा की स्थिति से भी संबंधित हैं हालांकि प्रबल लालीना की घटनाएं उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में विनाशकारी बाढ़ का कारण बन जाती है ऑब्वियस बात है मध्य एवं पूर्वी प्रशांत महासागरी क्षेत्र में सामान्य से उच्च भी लालीना की विशेषता है इसके कारण इस क्षेत्र में बादल कम बनते हैं एवं वर्षा कम होती है उष्ट कटिबंधीय दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम तट संयुक्त राज्य अमेरिका दट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की खाड़ी तट एवं दक्षिण अमेरिका के पंपास, जो पंपाल, पंपास एरिया है सामान्य से अधिक सूखी की स्थिति देखी जाती है लालीना की अगर इंपैक्ट देखते हैं इंपैक्ट ऑफ लालीना बेसिकली तो क्या होता है यूरोप में अलिनो शरदकालीन तूफानों की संख्या को कम करता है लालीना के कारण उत्तरी यूरोप विशेष रूप से ब्रिटेन में कम सर्दी एवं दक्षिणी पश्चिमी यूरोप में अधिक सर्दी पड़ती है जिसके कारण भूमध्य सागरीय क्षेत्र में बर्फबारी होती है अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं तो इस महाद्वीप इस कॉन्टिनेंटल एरिया में वह क्षेत्र है जहाँ ये स्थितियाँ सबसे अधिक महसूस की जाती हैं व्यापक प्रभावों में निम्नलिखित शामिल हैं भूमध्य रेखीय क्षेत्र विशेष रूप से प्रशांत महासागरी क्षेत्र में शक्तिशाली पवने कैरेबियम एवं मध्य अटलांटिक क्षेत्र में तूफानों के लिए अनुकूल परिस्थितियां अमेरिका के विभिन्न राज्यों में भवंडर की अधिक घटनाएं अगर हम साउथ अमेरिका में आते हैं तो पेरू एवं इक्वेडोर में लालीना सूखे का कारण बनती है सामान्यतः पश्चिमी और दक्षिण अमेरिका के मत्स्य उद्योग पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है पश्चिमी प्रशांत सागरी क्षेत्र की अगर बात करते हैं पश्चिमी मींस वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन वाला जो एरिया वहां पर अगर हम जाएं तो वहां पर लालीना उन क्षेत्रों में भूस्खलन भू की संभावना में वृद्धि करता है जो उसके प्रभावों के लिए सबसे अधिक असुरक्षित हैं विशेष रूप से महाद्वीपीय एशिया एवं चीन में यह ऑस्ट्रेलिया में भारी बाढ़ का कारण भी बनती है पश्चिमी प्रशांत महासागर हिंद महासागर एवं सोमालियाई तट पर तापमान में वृद्धि होती है नाउ वेन वी टॉक अबाउट इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया मीन्स इंपैक्ट ऑफ एलिना एंड लानीना ऑन इंडियन वेदर तो एलिनो ड्यूरिंग विंटर कॉज वार्म कंडीशन ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इंडियन सबकॉन्टीनेंट में जाते हैं तो एलिनो बेसिकली ठंडे के मौसम में गर्म कंडीशन जनरेट कर देती है इट लीड्स टू ड्राई कंडीशन एंड डेफिशियंट मानसून जिसके कारण पानी बहुत ज़्यादा कम गिरता है वेदर वेदर एज लानीना रिजर्व इन बेटर देन नॉर्मल मानसून इन इंडिया इंडिया एक्सपीरियंस डेफिशिएंट रेनफॉल ड्यूरिंग एल नीनो ईयर्स एल नीनो जब हमारे आता है तो हमारे यहाँ वर्षा बहुत कम होती है इसलिए आपको कहा जाता है दो से सात साल के बीच में कभी ना कभी ऐसा कई बार हम देखते हैं कि एलिनों के कारण हमारे देश में इफेक्ट पड़ा है और बारिश उस साल बहुत ज़्यादा कम हुई है क्रॉप्स लाइक पैडी मेज ग्राउंड नट ग्राउंडनट कैस्टर टट टटर मूंग एवं बाजरा ये सारे कुछ जो हैं जो सफर करते हैं एल नीनो के समय पर और एल नीनो डायरेक्टली impacts India's इंपैक्ट इंडियारियन इकोनॉमी एज इट ट्रेंड्स टू लोवर द प्रोडक्शन ऑफ समर क्रॉप राइस शुगर किन कॉटन एंड ऑयल सीड्स आई होप आपको यह पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हुआ होगा इफ देर इज एन ए डाउट मी फर्दर कैसे पूछेंगे तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द कमेंट्स मेरे कुछ आप जैसे यदि डिस्क्रिप्शन में जाएंगे देर आर सम लिंक्स आई हे प्रोवाइडेड टू यू टेलीग्राम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम से आप मुझे जुड़ सकते हैं डायरेक्ट थ्रू योर डायरेक्ट मैसेजेस टू मी सो अगले वीडियो के लिए